क्वेश्चन में बेटा आपको ये बोला गया है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस देन फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हूज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। तो बेटा आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और ये बोला गया अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं, ठीक है। तो आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, ओके। तो यहाँ से अगर हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है, कैसे निकालेंगे वो आपके पास यहाँ पे हमारे पास देखिए, अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी होती है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मल्टीप्लाई में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे हमें अल्फा एंड बीटा जीरोस दिए गए हैं, तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम 6 से सबको डिवाइड कर रहे हैं तो ये 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बाय 6 प्लस 1/6 ये आ गया, ठीक है। क्लियर है, इस फॉर्म में आ गया आपके पास, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया। अब बेटा हमारे पास सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा 2 0 दिए गए हैं, तो सम ऑफ जीरो अगर देखें आप ये आ रहा है, तो यहाँ पे ऑलरेडी माइनस फॉर्म है, ठीक है। तो 5/6 जो है आपके पास सम ऑफ जीरो इसका आ रहा है, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास क्या आ रहा है, 1/6, ओके क्लियर है। अब आपको करना क्या है, आपको बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसमें अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आर जीरोस, मतलब आपको यहाँ पे सिंगल दिए गए हैं, यहाँ पे स्क्वायर की फॉर्म में दिए गए हैं। तो बेटा हमें स्क्वायर की फॉर्म में जीरोस लेने हैं, तो हमें अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लेना है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमारे पास आता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, मिल गया आपको ये वाली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास अगर हम इसकी वैल्यू डालेंगे कुछ हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी, बट हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये चीज़ जो है ये माइनस करनी पड़ेगी, कहाँ से, इसमें से, ठीक है। क्लियर है बेटा, समझ आया, क्योंकि हमारे पास इसी को ओपन करके ये चीज़ मिल रही है। अगर हम यहाँ पे 2 अल्फा बीटा जो है अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये कैंसिल फॉर्म हो रही है, ठीक है, मतलब ये कट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए हमने ये चीज़ ली है, साथ में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/6 का स्क्वायर माइनस 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास ये है, तो ये आ जाएगा 25, 6 6 36, 2/6। एलसीएम अगर आप ले रहे हैं यहाँ पे तो 36 ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 12 आ गया, तो ये आ गया 13/36, ओके बेटा। चलिए अब आपको बनाना है, अगेन क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, बट उसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जीरो है, सम ऑफ जीरोस आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके पास क्या होगा, तो वो आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर कर लेंगे, तो 1/6 कितना हो जाएगा, 36, ठीक है। अब आप इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये वैल्यू डाल देंगे, चलिए तो हमारे पास आ गया ये कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस कितना आया था यहाँ पे, 13/36 एक्स प्लस 1/36, ओके। अब हमें अगेन ये इस फॉर्म में बनाना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं होल का तो 36x² आ जाएगा माइनस 13x प्लस 1, और ये वाला 13 जो है इधर ज़ीरो होता है तो उससे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो वो शो करने की ज़रूरत नहीं, आपके पास ये आ गया, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्लियर है। होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थैंक यू।